बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एफएम 101 कराची जी आवाज़, लैला नासिर हाजिर है प्रोग्राम कमर्शियल प्रोग्राम सागर जेके हेंस जी तरफ का पेश कयो थो वञे, जेको यूनिसेफ हुकूमत ते सिंध जे मिलियल इश्ताक सां कराची हैदराबाद खां एफएम 101 खां नशर कयो थो वञे। प्रोग्राम हैंड्स की तरफ का है, ये हैंड्स जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी के नाले से है। गुज़िश्त तकरीबन गुज़िश्त 40 साल का पैंजी खिदमतों जो अंजाम दे रो है। सजे मुल्क में एक बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी 40 साल का कम कर रही है। तकरीबन 21,000 गोठ 59 डिस्ट्रिक्ट में पैं कम खिदमतों अंजाम दे रही है यह ऑर्गेनाइजेशन। कई भी किस्म के डिजास्टर्स हुजन, वबाओं हुजन, तालीम की गाल हुए, माहौलियात हुए, कें भी किस्म जो का भी मसला हुजन, इल्म के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से, एनवायरमेंट के हवाले से, डिजास्टर्स के हवाले से हैंड्स सभी में अग्या हों। युवा ऑर्गेनाइजेशन है जी सजे मुल्क में पैंजी खिदमतों मुख्तलिफ ट्रेनर्स जेके 300 का वधीक जेके मुकम्मल तौर पर ट्रेन कयो वियो आहे, उहे पैंजी खिदमतों दियन पिया, माण्हुनि में अवेयरनेस पैदा करण जी कोशिश कन पिया। असांजी इहा ई कोशिश हूंदी आहे त जेके बि महिमान अचनि था, जेके मोहतरम महिमान हूंदा आहिनि, उन्हनि सां अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि ॿोल करियूं कि COVID-19 जे पूरी दुनिया जो नक्शो बदिले छॾियो आहे, पूरे सिस्टम खे तब्दील करे छॾियो आहे। उहो ई असर असांजे मुल्क जे मथां बि पियो आहे, न सिर्फ़ु शहर बल्कि ॻोठनि ते बि। जेके ॻोठाणा आहिनि, जेके हेठनि इलाइक़नि में रहनि था, उन्हनि ते बि कुझु नेगेटिव असर ऐं कुझु अहिड़ा असर थिया आहिनि साइकोलॉजिकल ऐं मुआशी तौर ते कि उहे वकड़ियल आहिनि। उन्हनि खां इन डिज़ास्टर्स मां कीअं कढी सघे थो, इन पेंडेमिक मां कीअं कढी सघे थो, अहिड़ी तरीक़े सां हैंड्स उन्हनि जे लाइ छा करे रहियो आहे। अॼु असां प्रोग्राम में हिकु अहिड़े असां वटि शख़्सियत मौजूदु आहे, महिमान मौजूदु आहे, जेको पंहिंजे नाले सां पाण जेको आहे सो तारुफ़ आहे, इलाही ज़बरदस्त क़िस्म जूं जा कमु करे रहियो आहे पूरे पाकिस्तान में, ख़ुशूस सिंध जे हवाले सां अगरि असां ॻाल्हि करियूं त जेके बि हेठियां इलाइक़ा आहिनि जिते तालीम, सिहत, सफ़ाई, सुथराई, उन सां गॾु गॾु जेको करोना वायरस, जेको COVID-19 जा जेके असर थिया आहिनि, उन हवाले सां इलाही कमु करे रहियो आहे। ऐं उनजी जेके महिनतूं आहिनि उहे रंग खणी पियूं अचनि ऐं नज़र अचनि पियूं। हैंड्स एन जी ओ तालीम में जेके आहिनि सो मुहतरम मक़बूल अहमद राहू साहब जेके आहिनि सो तक़रीबन 18 सालनि खां कमु करे रहिया आहिनि ऐं इहे दुनिया जे इलाही मुल्कनि में पंहिंजूं ख़िदमतूं अंजाम ॾिनियूं आहिनि। ख़ासतौर ते जेको नेपाल में आफ़त ज़दा जेको करार ॾिनो वियो हुओ, जेको 2017 में ज़लज़लो आयो हुओ, जे अधु नेपाल खे ख़तमु करे छॾियो हुओ, त उते पंहिंजी ख़िदमतूं अंजाम ॾिनई। इन खां अलावा हिकु तमामु बहितरीन क़िस्म जो ट्रेनर बि आहे, बहितरीन सरबराह बि आहे, ऐं आम माण्हुनि सां जेके वेझाई जेके वास्ता हूंदा आहिनि उन हवाले सां हिकु वॾो नालो रखंदा आहिनि। ऐं इन खां अलावा मैनेजमेंट फील्ड ट्रेनिंग मॉनिटरिंग जे शोबे में बि इन जूं ख़िदमतूं जेके आहिनि सो नाक़ाबिले फरामोश आहिनि। मक़बूल राहुल साहब जेके आहिनि सो हैंड्स जे प्लेटफॉर्म सां मुल्की ऐं सूबाई हुकूमतनि सां मिली करे जेको हिकिड़े क़िस्म जो राब्तो हूंदो आहे उनखे मज़बूत करण में मसरूफ़ आहिनि। ऐं जेके हेठि सतह ते जेके माण्हू आहिनि, जेके सरकारी इदारनि सां गॾु जुड़ियल आहिनि, कमु कनि था पिया, उन्हनि हवालनि सां हिकु जेकी ख़ूबसूरत पहचान बि रखे थो ऐं असां सां गॾु इहे मौजूदु आहिनि। ऐं अॼु COVID-19 खां अलावा सिहत ऐं सफ़ाई जे मौज़ुनि ते मक़बूल अहमद राहू जन सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। त हाणे मुलाक़ात करायूं था बिल्कुलु तव्हांजी मक़बूल अहमद राहू साहब सां, जेके हैंड्स NGO में पाणी आबू निकासी आब ऐं सिहत ऐं सफ़ाई जे शोबे में जनरल मैनेजर जे अहिदे ते फ़ाइज़ आहिनि, जेके 18 सालनि सां जुड़ियल आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक? बिल्कुलु ख़ैर, सभु ठीकु ठाक। तव्हांजो मूं सॼो तारुफ़ ॿुधो ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी की असांजे मुल्क में, असांजे सूबे में अहिड़ा माण्हू मौजूदु आहिनि जेके ख़िदमती फ़र्क़ सां जुड़ियल आहिनि ऐं वधि में वधि कमु करे माण्हुनि खे जेको आहे सो सहूलियत ॾियनि पिया, आसानी फराहम करनि पिया। ऐं तव्हां असांजे स्टूडियो में आया आहियो, असां थोराईंदा आहियूं ऐं माण्हुनि खे ॼाण वधि मां वधि तव्हांजे ज़रिए मिलंदी। अच्छा, हीअ जेको हैंड्स जे हवाले सां तव्हां 18 सालनि खां तव्हां जुड़ियल आहियो ऐं अॼुकल्ह जी त COVID-19 जेको पेंडेमिक आहे ऐं NGOs जी पंहिंजूं सर्विसूं हुकूमत सां गॾु गॾु, सूबाई हुकूमत ऐं जेकी फेडरल गवर्नमेंट आहे उन सां गॾु गॾु NGOs बि इलाही कमु करे रहिया आहिनि। छा तव्हां ॿुधाईंदा की NGOs कहिड़ी क़िस्म जी सहूलियतूं प्रोवाइड कनि पिया माण्हुनि खे, ॾियनि पिया पेंडेमिक COVID-19 जे हवाले सां? जी, थैंक्यू अदी। मुख़्तलिफ़ NGOs जेके जीअं ई लॉकडाउन स्टार्ट थियो ऐं COVID पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ी शुरूआति थी वई,
एनजीओज के अंदर डिफरेंट किस्म जो एमरजेंसी फील्ड टीम्स मौजूद होंदियों इन तरह जहाँ अस डिफरेंट रिस्पॉन्स शुरू करण के लिए अस पेंडेमिक इशू जो अची वो तो उन कुछ कॉन्टीजेंसी फंडिंग्स होंदियों मौजूद तो कुछ इदारा अड़ा हुआ जिनके अंदर कॉन्टीजेंसी फंडिंग मौजूद हुई कुछ इदारन कॉन्टीजेंसी फंडिंग मौजूद न हुई तो उ एनजीओज भी हड़ा वड़ा पैं घर कुछ कंट्रीब्यूट कर रिस्पॉन्स में इनिशिएट कर अस यूनिसेफ पाकिस्तान यूनिसेफ स्पेशली सिंध प्रोविंस हैंड्स लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन थियल हो कॉन्टीजेंसी तो स्टार्टिंग में जी ही 23 तारीख से लॉकडाउन स्टार्ट थो 23 मार्च से इमीडिएट रिस्पॉन्स यूनिसेफ पाकिस्तान के तरफा मिलो हैंड्स के गो हेड मिलो तो इनिशिएट करो सर्विसेस पंजन जिलों के अंदर अस इमीडिएटली सर्विसेस स्टार्ट क्यों जैमें सब का पैरों जो स्टार्ट थो हो इन एक्टिविटी जो वो हो फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी डॉक्टर्स तो पैर तो अस असा फ्रंटलाइन वर्कर्स डॉक्टर्स ट्रेंड है इक्विपमेंट्स हैं उ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जैमें मास्क ग्लव्स पीवी सूट्स तो उ डॉक्टर सूट्स उन प्रोवाइड कजन उन्होंने इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग्स दियारायण तो यह इमीडिएट रिस्पॉन्स के अंदर पे असि एक्टिविटी हुई एनजीओ की वह यह हुई आईपीसी से कम करो इतना का एडो स्टार्ट थो प्रोजेक्ट जो जो टे महीन जो इमीडिएट रिस्पॉन्स यूनिसेफ हैंड्स पाकिस्तान से साइन किया सर्विसेस जो कराची के अस्पताल कराची का हैदराबाद सखर सांगर खैरपुर के अंदर असिया सर्विसेस पंजन जिलों में इमीडिएट शुरू क्यों उनका जो सिलसिलो महीनों डेढ़ थोड़ा सिलसिलो अगर हलो तो ओवरऑल जो ही तक खबर आ पूरी सिंध चाह पर पूरो पाकिस्तान उन वबा के लपेट में अची वो हाँ पूरी दुनिया तो हुई ही हुई छो हिंसर पा स्पेसिफिक सिंध की गाल पे क्यों तो इन ओवरऑल जाहिर पूरी दुनिया लपेट में हुई पर सिंध में स्पेसिफिक पा पंजन जिलों का जो शुरुआत थी तो यो वबा वधंदी वही बेन जिलों के अंदर जी जी शुरुआत थी वही ती ती यूनिसेफ हैंड्स मुख्तलिफ एनजीओस स्पेन ऑफ वर्क वधाईंदा हुआ जिला वधंदा हुआ तकरीबन अस 27 जिलों तीन अप्रोच किया जैमें हजारों डॉक्टर्स उनके तो अस ट्रेंड कर ही कर पर गदो गद जो सैनिटरी वर्कर्स तो उन सैनिटरी वर्कर्स चो तो उसे भी फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे कें ध्यान न दिनों है जी तीन डॉक्टर्स के अस सल्यूट भी पेश कर सभी गर्जी करे पर उसे सैनिटरी वर्कर पर उसे सैनिटरी वर्कर जो उन कोरोना के वार्ड में सफाई कन था उसे फर्श साफ कन था अच्छा उन्होंने ग्लव्स हाई हाई रिस्क लेवल मतलब रिस्क लेवल तो डेफिनेटली अदी हुई पर हाई रिस्क लेवल हुई उन्होंने छो तो उन कोरोना के वार्ड में सफाई करने वाला उ ही हुआ तो उन्होंने ट्रेंड कर सूट प्रोवाइड कर इक्विपमेंट प्रोवाइड कर तो वो उन्होंने भी अस यूनिसेफ के तावन से सिंध लोकल गवर्नमेंट के तावन से अस उन्होंने भी ट्रेंड इक्विप किया सब सहूलतूँ दिन उन्होंने शूं प्रोवाइड क्यों सैनिटरी मटीरियल प्रोवाइड किया सिलसिलो ये हलो रो उनके अलावा अस वॉलंटियर्स वर्कर्स ही असरी ह्यूज फोर्स है हैंड्स के अंदर जो लखन में अस वॉलंटियर्स मौजूद हैं कुछ अस कोविड के दौरान यूनिसेफ अस सपोर्ट कर पेड वॉलंटियर्स भी रखो जो मानून के वही सेशंस दियन इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल से वो मटीरियल भी प्रोवाइड कर छपराए कर सिंधी में उर्दू में मुख्तलिफ अंग्रेजी में उ छपरा पोस्टर्स छपरा मानून के जान दियो रिक्शा कैंपेन्स हलो रिक्शन से लगे छो पर इनिशियली लॉकडाउन में रिक्शा भी बंद हुआ मस्जिदों के बाहर किचन में हर जगह चौक सोशल मीडिया से एफएम रेडियो कैंपेन्स टीवी कैंपेन्स तो ये सभी मुख्तलिफ मीम्स के जरिए अस मानून तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कोविड का कि पान के बचाए न।